सभी को मेरा नमस्ते। तो आज आई हूँ मैं हिमाचल, और जो हिमाचल आने का कारण है वो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो है बैजी है, बहुत ही कैंसर हो गया या फिर किसी को फुंसी फोड़े कुछ भी बनता है, मतलब आयुर्वेदिक की दवाई देते हैं और लोग यहाँ से बहुत सारे ठीक होके जा रखे हैं। तो जो ठीक हुए हैं और दवाई जिनसे चल रही है, तो अभी मैं आपको उनसे मिलाती हूँ और फिर बताती हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी गाड़ी आई है, मतलब आधे परसों आए आधे कल से आए हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये दो दो तीन तीन बार आए, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा असर हुआ है यहाँ की दवाई का। मतलब किसी को बोला था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन कराओ, बट उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, यहाँ की जो दवाई है उससे बिल्कुल ठीक हुए हैं वो। ये देख सकते हो आप, इतने सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे। अभी ये होटल है, यहाँ पे भी ठहरे हैं लोग। आपको दिखाऊंगी मैं, ये अंकल जी यहाँ से दवाई चली इनकी और बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो अंकल जी आपको क्या दिक्कत है? माला गले में गांठ हो गया था, हाँ जी, तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? कैंसर बताया था, अच्छा, तो मतलब कैंसर बताया तो आपने इलाज नहीं करवाया डॉक्टर का करवाया था वहां, तो उस? हमारा आराम नहीं होता रहा अच्छा, और यहाँ से मतलब आराम हुआ? था, आराम क्या पूरा ठीक हो गया। हाँ जी, तो मतलब आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे दवाई कैसी देते हैं? दवाई तो बड़ी अच्छी है, फिर आने जाने का परेशानी है बस भाई। हाँ जी, यहाँ पे मतलब फ्री दवाई मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस आने जाने का है थोड़ा, और कुछ नहीं है, मतलब हॉस्पिटल से अच्छा तो यही है। तो ये अंकल जी भी आए हैं, इनको तो बहुत, मतलब आपको क्या बोला था अंकल जी? मेरे को बोला था कि ऑपरेशन के लिए बोला था कि हाँ जी ऑपरेशन जी करा लो, नॉर्मल हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, पर ठीक नहीं हुआ वहाँ से। हाँ जी हाँ जी अब मैं यहाँ आया हुआ हूँ बैद जी के पास, हाँ जी तो यहाँ काफ़ी मेरे को यहाँ गांठ थी, हाँ जी अब काफ़ी आराम हैगा, मुंह में थोड़ा सा रह गया है, हाँ जी बाकी यहाँ दवाई बढ़िया है। आने जाने की थोड़ी प्रॉब्लम हैगी, हाँ किराया जी पड़ता हैगा, हाँ जी बाकी यहाँ जो है फ्री है। फ्री इलाज हैगा, हाँ जी हाँ जी इसलिए हम लोग को संतुष्ट हैं यहाँ से। तो ये जो अंकल जी थे, इन्होंने हॉस्पिटल में बहुत इलाज करवाया, खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, बट जब से यहाँ की दवाई खाई इन्होंने तब से खाना भी खा पा रहे हो खाना आप, खा रहे हैं है जी, ना? हाँ जी, हाँ तो जी, देख सकते हो आप लोग, इतनी सारी भीड़। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे सुबह 4 बजे और रात को चले थे, हम भी आए हैं खुद भी यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ये जौनसारी हमारे हमारे साथ आए भाई जी, तो तू ऐत के को शाह, मतलब मतलब हम ऐसे आज मतलब ऐत के बोलो कि आयुर्वेद वाला है, मतलब कुने बढ़िया बोले दवा ताऊ के की ऐत के ठीक है ये दवाई। हमारा यहाँ वहाँ का है, चक्रोता का है, हाँ, मुकेश है उसका, पहाड़ी में जुल। हाँ 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 बांग्या शेर का मतलब से ना, ओ तिने बोला मुखी तू मम्मा रसा चलो, हाँ और वहाँ फ्री इलाज चलता है और बढ़िया हो जाता है यहाँ। अच्छा, हाँ तो आप देख सकते हो आप लोग, ये इतनी सारी गाड़ियाँ आई है, मतलब ये किसी ना किसी भरोसे से आई है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये गाड़ी है दोबारे आए लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ठीक होके गए हैं और फ्री यहाँ पे दवाई है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इनका मंदिर है और होटल है, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हम लोग, बैद जी भी बैठेंगे यहाँ पे, तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। वो भी उनको, मतलब हम तो उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि फ्री में वो इलाज कर रहे हैं, ऊपर से वो टीचर भी है, तो संडे और सैटरडे को यहाँ पे वो बैठते हैं और सभी को दवाई देते हैं। तो पूरे जो ये होटल है ये पूरा फुल है, भरा हुआ। अभी थोड़ी देर में आएंगे वैद्य जी, 9:30 बजे तक आ जाएंगे। तो वैद्य रामकिशन नाम है उनका, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। तो सभी लोग आइए और यहाँ पे अपना इलाज करके जाइए। थैंक यू। उसके बाद 170 वाले कहाँ गए पर्ची दे के? अरे वीडियो बना गाड़ी का, वो फोन में वही रहने देते हैं वाले गाड़ी से साइड हो जाएगा। आपको कहाँ